अति वर्षा के कारण शहर में कई कच्चे मकान गिर गए थे। रसीद कॉलोनी में भी मकान गिरे थे, जिसे प्रशासन की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटी स्वीकृत कराई गई थी। उन्हीं में से एक हरवीर कोई मिली थी, जिसका नाम लिस्ट में आ गया था और लेकिन उसका नाम लिस्ट में से हटा दिया गया। इसकी शिकायत लेकर वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कुटीर की मांग की। पीड़ित का कहना है कि किसी ने रंजिशन लिस्ट में से नाम हटवाया है। वहीं उसने बताया कि उसके पास रहने का कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए उसने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उसे कुटी मुहैया कराई जाए। आज समस्या झेल लेके आए हरवीर जाटव, बबीता जाटव, जो बाढ़ आने के कारण इनके बाढ़ में मकान गिर गए थे, तो बारिश के कारण इनके मकान गिर गए थे बेचारे। इनकी बाढ़ भी आ गई थी तो खाने पीने का राशन पानी पूरा नष्ट हो गया था। मकान कच्चे थे, दोनों के गिर गए थे। वो दीवार के नीचे जब महिला बबीता जाटव दब भी गई थी बेचारी, तो इसका इलाज भी चला इस हॉस्पिटल में, फिर जो रेन बसेरा में 15 दिन रही बेचारी, जे के बाद में भी पटवारी जी आए जांच करके गए। इसका सूची में नाम आने के कारण फिर भी इसका नाम कट गया बेचारी का। इनको कोई रहने की जगह नहीं है, कच्ची टपरिया बेचारे की। हरवीर जाटव, बबीता जाटव कुटीर के लिए यहाँ। हाँ चलो ठीक। डंपी खान की रिपोर्ट।